115 पर कॉल रिसीव होती है कि स्नैचिंग की वारदात हुई है। दो लेडीज़ जा रही थी, उनके साथ ये एक गाड़ी में स्नैचर्स आए हैं और वो चलती हुई गाड़ी में ही उन्होंने उनसे पर्स स्नैच करके वो फरार हुए हैं। जैसे ही हमने ट्रैफिक वार्डन से रब्ता किया और उसे ये सारे डिटेल्स बताई, तो उसने एक तो उस साइड की ट्रैफिक को रोक दिया। जैसे ही डॉल्फिन आई तो उनमें से जो एक स्नैचर था वो भाग गया वहाँ से। जो भाग गया था डॉल्फिन ने उसको भी पकड़ लिया। भाग के पकड़। जो हाईलाइटेड केस है इसमें एक रॉबर का केस है जो सिर्फ लेडीज के साथ वारदात किया करता था। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर 24/7 आवाम के तहफ्फुज़ के लिए यहां पर मौजूद होते हैं और जब भी कोई 115 पे कॉल आती है तो उसको फौरन से ट्रेस किया जाता है। पिछले दिनों एक ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ने एक मुजरिम को गिरफ्तार करवा दिया। आज हमारे साथ मौजूद है उस्मान शरीफ, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर। उनसे पूछते हैं कि आखिर वाकया क्या था और उन्होंने उसको किस तरह से ट्रेस करवाया। उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। उस्मान, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस्मान, बताएं उस वाक्य के बारे में, कैसे 15 पे कॉल आई और उसके बाद आपने उस वाक्य को ट्रेस किया? ये इवनिंग शिफ्ट की बात है कि 15 पर कॉल रिसीव होती है कि स्नैचिंग की वारदात हुई है जिसमें कुछ स्नैचर्स हैं जिन्होंने एक लेडी से पर्स स्नैच किया और वो फरार हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास केस आता है VCC वीडियो कंट्रोल सेंटर में, हम लोग लाइव ट्रेसिंग करते हैं वहाँ पर 15 की कॉल्स। जो भी हीनियस क्राइम्स होता है जिसमें स्नैचिंग है, रॉबरी है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कैमरों की मदद से ट्रैक डाउन कर सकें। राइट। दो लेडीज़ जा रही थी, उनके साथ ये एक गाड़ी में स्नैचर्स आए हैं और वो चलती हुई गाड़ी में ही उन्होंने उनसे पर्स स्नैच करके वो फरार हुए हैं। अच्छा। तो जो कॉलर था वो उस टाइम वहाँ से बाइक पर गुजर रहा था, तो उसने ये जब इंसिडेंट देखा तो उसने फौरन 15 पर कॉल कर दी। तो उसने ये बताया कि हाकिम चौक पे हुई है और अभी 2 मिनट पहले ही हुई है ये वारदात। सबसे पहले आपने कंफर्म किया कि ये इंसिडेंट कहाँ हुआ है? जी बिल्कुल, हम लोग वेरीफाई करते हैं कि इंसिडेंट हुआ भी है या नहीं, नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो कैमरों की रेंज में आया है। उसके बाद मैंने दोबारा कॉलर से रब्ता किया, उससे पूछा कि गाड़ी किस तरफ गई है ताकि हम उसको आगे मजीद अगर वो ट्रैक डाउन कर सकें। तो उसने बताया कि गाड़ी बिल्कुल सीधा जा रही है, हमारे सामने ही है इस टाइम। ठीक है, तो मैंने मैप पे देखा तो आगे जो फर्दर मोहम्मद अली चौक था, आगे सिग्नल जो मोहम्मद अली चौक का सिग्नल था जिस तरह वो गाड़ी मूव कर रही थी। मैंने मोहम्मद अली चौक के कैमरे देखे तो वहाँ पर उस टाइम एक ट्रैफिक वार्डन था जो मैन्युअली ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था। जब आपने ट्रैफिक वार्डन को बताया कि इस तरह से एक गाड़ी आ रही है और इसको रोकें, तो आप मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर भी एक कैमरा मौजूद था पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का, तो आपने देखा कि उस ट्रैफिक वार्डन ने बड़ी ही एक अच्छे अंदाज के साथ उस ट्रैफिक को कंट्रोल किया और उस गाड़ी के आगे 3-4 बाइक्स को लगा दिया। जी बिल्कुल, जैसे ही हमने ट्रैफिक वार्डन से रब्ता किया और उसे ये सारे डिटेल्स बताई, तो उसने एक तो उस साइड की ट्रैफिक को रोक दिया। ठीक है, और दूसरा उसने ये किया कि 3-4 बाइक्स वाले थे उनको बुलाकर उनकी बाइक्स आगे लगवा दी ताकि वो गुजर ना सके वहाँ से, आगे ना जा सके। तो उसके बाद हमने मैप पे सर्च किया कि करीब तरीन डॉल्फिन कौन सी है, तो हमने उनसे रब्ता किया, उन्हें सारी सिचुएशन का ब्रीफली बताया। उसके बाद डॉल्फिन विद इन 2 मिनट्स डॉल्फिन वहाँ पर आ गई। तो जैसे ही डॉल्फिन आई तो उससे पहले जो स्नैचर से उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो यही समझ रहे थे कि शायद सिग्नल रुका हुआ है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो सकता है। लेकिन जैसे ही डॉल्फिन आई तो उनमें से जो एक स्नैचर था वो भाग गया वहाँ से। अच्छा, भाग गया वहाँ से गाड़ी। तो लेकिन ये था कि डॉल्फिन ने क्विक रिस्पॉन्ड किया, उसको भी जाके पकड़ लिया और जो एक स्नैचर था वो गाड़ी में बैठा हुआ था उसको भी राउंड अप कर जो लिया। भाग गया था डॉल्फिन ने उसको भी भाग के पकड़ लिया, मतलब दोनों पकड़े गए। जबरदस्त। फिर जब उसके बाद ये हुआ कि जब हमने उस टाइम में हम देख रहे थे कि वो गाड़ी के जब नंबर प्लेट पे हमने जूम किया तो हमने उसको अपने रिकॉर्ड में चेक किया तो वो पहले भी हमारे पास उनकी काफी स्नैचिंग्स कवर हो चुकी थी। मतलब वो पहले भी करते थे और हमारे सेफ सिटी के कैमरा में वो कवर भी हो चुकी थी। यहाँ मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट का नाम है पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर। इंटीग्रेट तमाम फोर्सेस को किया गया। अब यहाँ पर तमाम फोर्सेस इंटीग्रेट थी, जिस तरह उस्मान ने बड़ी एक हिम्मत के साथ और बड़ी रैपिडली डॉल्फिन के जो अहलकार थे उनको फौरन कॉल की, इसके साथ साथ जो वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद थे उनको भी कॉल पास की कि यहाँ पर एक जो स्नैचर है वो आ रहा है। तो इन सब की इंटीग्रेशन से क्या हुआ कि उस स्नैचर को पकड़ लिया गया। तो इस डिपार्टमेंट बनाने का मकसद मेरे ख्याल में रिमशा यहाँ पे पूरा होता है और इसी तरह से हम ट्रेस करते हैं। अच्छा उस्मान, इससे पहले भी आप 2 साल जो है ईटेक में सर्व कर चुके हैं और ईटेक में आप जो है डिजिटल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जो भी आपके पास
केस के मुतालिक लेने आता है, उसके बारे में बताइए कि वहाँ कोई अचीवमेंट है आपकी। जी बिल्कुल, ईडैक में हम लोग पोस्ट क्राइम जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंप्लेनेंट के साथ आते हैं, जब एक वारदात या कोई भी क्राइम हो जाता है तो उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, हम लोग उसको ट्रैक डाउन करते हैं और एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। जो हाईलाइटेड केस है, इसमें एक रॉबर का केस है जो सिर्फ लेडीज़ के साथ वारदात किया करता था, उनसे ज्वेलरी स्नैच करता था। ख्वातीन के साथ जो बार बार स्नैचिंग करता था, उसकी वजह आई थिंक सो यही हो सकती है, जो ख्वातीन होती हैं जब वो गोल्ड पहन के निकलती हैं तो अपने आप को थोड़ा कवर नहीं करती, कवर नहीं करती और एक वीक टारगेट हो जाता है ये। एक सॉफ्ट टारगेट है, देखिए इजीली आप कर लेते हैं और वो डर भी जल्दी जाता है और जल्दी से अपनी ज्वेलरी जो है वो दे देती है। वो जो रॉबर था वो पकड़ा नहीं जा रहा था। अच्छा, मोर देन 100 केसेज ऐसे हमारे पास ईडैक में आ चुके थे कि जिसमें हम लोग उसको ट्रैक डाउन करते थे लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी, कि वो जब भी वारदात करता था वो रूट तकरीबन वही लिया करता था। तो ये ईडैक की एक सक्सेस स्टोरी थी जिसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स ने मिलकर काम किया था। चलिए उस्मान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू जी। नाज़रीन, उस्मान ने आपको सक्सेस स्टोरी सुनाई है, इस तरह की कई सक्सेस स्टोरी हैं जो डेली बेसिस पे जो है हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं, उनकी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ आपने जो है हमें फेसबुक पे फॉलो करना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना है। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।